आगामी त्योहारों को देखते हुए रतलाम पुलिस कानून व्यवस्था और शांति सौहार्द बनाए रखने के लिए पूरी तैयारी में जुटी हुई है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन में 29 सितंबर को पुलिस लाइन ग्राउंड पर बलवा ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में रतलाम और छावरा अनुभाग के थानों और चौकियों के पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया। ड्रिल के दौरान दंगाइयों को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न टीमों का गठन किया गया, जिसमें टीयर गैस, लाठी, राइफल और मेडिकल पार्टियों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई। मॉक ड्रिल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि पुलिसकर्मी विपरीत परिस्थितियों में भीड़ नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए अपने कर्तव्यों को बखूबी निभा सके। इस दौरान कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी उपस्थित रहे। रतलाम पुलिस लाइन में आने वाले त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए बलवा ड्रिल की प्रैक्टिस की गई। इसमें लोकल हेडक्वार्टर रतलाम एवं जावरा सब डिवीजन जो कि संसदीय दोनों सब डिवीजन उसके बल को जो है सम्मिलित किया गया। जो भी बलवा और बलवा के जो नियंत्रण के जो है प्रिंसिपल्स हैं उसको लेकर के उन सभी को अवगत कराया गया और आगे भी जो है इस फोर्स के द्वारा जो है आने वाले समय में आज और कल जो फ्लैग मार्च भी जो भी संसदीय वेदिया था उनमें भी निकाला जाएगा। प्रयास है कि त्यौहार शांतिपूर्ण हो, अपितु शांतिपूर्ण रहेगा, फिर भी जो भी बलवा के प्रिंसिपल्स हैं उनको लेकर के आज ये प्रैक्टिस की। रतलाम से पवन धाकड़ की रिपोर्ट।